हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे स्वस्थ हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आसाम से रिलेटेड है, अर्थात बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ आसाम, यानी कि जितने भी बुक्स हैं उनके ऑथर्स जो भी लेखक हैं उन सारे लेखकों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उन्होंने कौन से बुक्स लिखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस में फ्यूचर में भी आपके लिए लाता रहूं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु एमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अघोरी आत्मा कहानी। निम्नलिखित में से कौन अघोरी आत्मा कहानी के लेखक हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपके ऑप्शन हैं ए अब्दुल कलाम, बी सैयद अब्दुल मलिक, सी हलीराम डेका या डी बेनुधर शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सैयद अब्दुल मलिक। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, हु हैज़ रिटेन द फेमस बुक ऑन्तोरीप, अर्थात प्रसिद्ध पुस्तक ऑन्तोरीप किसने लिखी है? आपके ऑप्शन हैं ए मीरा शर्मा, बी भवेंद्रनाथ सैकिया, सी कुलोधर सलीहा या डी कंचन बरा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भवेंद्रनाथ सैकिया। आइए देखते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु वॉज द ऑथर ऑफ ए फ्यू रिमार्क्स ऑन असामिस लैंग्वेज, अर्थात असमिया भाषा की पुस्तक ए फ्यू रिमार्क्स ऑन के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए आनंदराम ढेकियाल फुकन, बी गोपीनाथ बरदोलोई, सी जतीन्द्रनाथ द्वारा या डी धर्मेश्वर दास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आनंदराम ढेकियाल फुकन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर, हु वॉज द ऑथर ऑफ द नॉवेल अमरीशा, अर्थात अमरीशा उपन्यास के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए अमृता कानू, बी मीरा शर्मा, सी प्रदीप दास या डी लीना शर्मा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लीना शर्मा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक आंशु फूल, अर्थात आंशु फूल पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, बी हेम बरुआ, सी नृपेन गोस्वामी या डी रघुवीर कलिता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हेम बरुआ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस में अपकमिंग फ्यूचर में भी लाता रहूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल आहुति, अर्थात प्रसिद्ध उपन्यास आहुति किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए पल्लव सैकिया, बी अंबिकागिरी राय चौधरी, सी ललित फुकन या डी अमूल्य बरुआ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अंबिका गिरी राय चौधरी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु हैज़ रिटेन द बुक असम और लोक संस्कृति, अर्थात असम और लोक संस्कृति पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन हैं ए बेनोधर राजकुआ, बी महेश्वर नेउग, सी बिरिंची कुमार बरुआ या डी लक्ष्मीनाथ फुकन। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएं। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिरिंची कुमार बरुआ। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर एट, अचीना और असीना द फेमस बुक रिटन बाय, अचीना या असीना प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं ए भवेश कलिता, बी हेमंत कुमार शर्मा, सी चंद्रा कटोकी या डी अमूल्य बरुआ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अमूल्य बरुआ। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नाइन, हु हैज़ रिटन द बुक बॉर्नफुल इन 1952 में बॉर्नफुल पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन हैं ए सुरेश शर्मा, बी जतीन्द्रनाथ द्वारा, सी मुनीन बोरकटोकी
या डी अभिजीत कलिता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जतींद्रनाथ द्वारा। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज में अपकमिंग फ्यूचर में भी लाता रहूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज़ रिटन द फेमस नॉवल बुढ़ी आयर खादू। प्रसिद्ध उपन्यास बुढ़ी आयर खादू किसने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं ए गुलाब बरदोलोई, बी दिगंत कुमार, सी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ या डी सत्यनाथ बरुआ। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक विस्मृति व्यतिक्रम। विस्मृति व्यतिक्रम पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए लीला गोगोई, बी पल्लव शैकिया, सी मुनीन बरकटकी या डी उत्पल दत्त। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मुनीन बरकटकी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक दही कतरा। दही कतरा पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए रघुनाथ चौधरी, बी विप्लव महंत, सी नलिनी बाला देवी या डी सुरेश शर्मा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रघुनाथ चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज आपका फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हु हैज़ रिटन द बुक बकुल फुलर दौरे। बकुल फुलर दौरे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए जतींद्रनाथ द्वारा, बी डॉक्टर भूपेन हाजोरिका, सी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ या डी मृणाल कलिता। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मृणाल कलिता। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। नेम द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल विभिन्न नरक। प्रसिद्ध उपन्यास विभिन्न नरक के लेखक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए होमेन बोरगोहाई, बी बिमल कलिता, सी जुनाराम तांती या डी लक्ष्मीनाथ तामोली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होमेन बोरगोहाई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। हु हैज रिटन द फेमस नॉवेल गांव बूढ़ा। प्रसिद्ध उपन्यास गांव बूढ़ा किसने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं ए रीता चौधरी, बी नलिनी बाला देवी, सी पद्मनाथ गोहाई बरुआ या डी नवकांत बरुआ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पद्मनाथ गोहाई बरुआ। आगे बढ़ते हमारे सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज अपकमिंग फ्यूचर में भी लाता रहूं। क्वेश्चन नंबर 16। हु हैज रिटन द बुक जीवन और बाटोत। जीवन और बाटोत पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन हैं ए रघुनाथ चौधरी, बी बीना बरुआ, सी हलेश्वर डेका या डी मालती शर्मा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बीना बरुआ। हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आप लोग ने अभी तक इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका पार्ट वन जो था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। और फिर से एक बार थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ में फ्यूचर में भी लाता रहूँगा।